मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि बिना शेयर इट के या बिना जेंडर के आप डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो अलग अलग डिवाइस ले लिया है, एक एंड्रॉयड है और एक आईओएस है। तो मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर कर लिया ओपन और यहाँ पे मैंने ऐप स्टोर कर लिया। ओके, अब प्ले स्टोर में आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है जिसको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एयरड्रॉयड, तो यहाँ पे भी मैं एयरड्रॉयड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। ओके, आप देख सकते हैं एयरड्रॉयड मैंने यहाँ पे भी डाल दिया। अब देखिए इस तरह का एक आइकन आता है, तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे भी आपको गेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास दो एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड टू एंड्रॉयड करना चाहते हैं तो दो एंड्रॉयड फ़ोन रखिएगा अपने सामने, और अगर आईफोन टू आईफोन करना चाहते हैं तो ये वाला प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा, और एंड्रॉयड टू आईफोन करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ उससे होकर के गुजरना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मेरा दोनों ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आपके सामने। अगर हम यहाँ पे साइन अप करते हैं तो और भी फीचर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन फिलहाल अभी हम डेटा ट्रांसफ़र करना जा रहे हैं तो यहाँ पे हम साइन अप कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसमें आपका अगर हो चुका है तो आप इसको ओपन कर लीजिए और स्किप करके आप बस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी अलाउ अलाउ आपसे पूछे आपको अलाउ कर देना है, और यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ और यहाँ पे स्किप कर देता हूँ इसको भी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे नियर बाई पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप नियर बाई पे क्लिक करोगे जो मेरा डिवाइस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है कि अपना जो माई डिवाइस है इसमें जा करके आपको एयर ड्रॉयड वेब पेज पर क्लिक कर देना है। तो कुछ आपसे अलाउ अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अलाउ कर लीजिएगा, और दोनों ही सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए या सेम लैंड कनेक्शन से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर शेयर इट की तरह भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ और यहाँ पे चला जाता हूँ नियर बाई में, और नियर बाई में यहाँ पे भी मैं हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आ चुका है पोको ए फ़ोन और यहाँ पे भी आ चुका है मेरा डिवाइस। तो अब मैं इससे इसको टाइप करके कनेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं करूँगा देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, यानी कि इस डिवाइस से ये वाला जो आईफोन है कनेक्ट है। अब अगर मुझे कुछ मैसेज भेजना है तब भी मैं मैसेज भेज सकता हूँ, यहाँ से देखिए मैसेज भेज दिया, और जैसे ही मैसेज भेजूंगा और यहाँ पे भी आपको टाइप करना है, इससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, मैसेज भी आ गया। अब कुछ अगर फाइल भेजना है यहाँ से तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल वगैरह दिख रहा है, जैसे कि कोई फाइल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर कोई म्यूजिक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अटैचमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पे म्यूजिक पे जाऊँगा, एक म्यूजिक यहाँ से ले लिया, इसके बाद सेंड कर दिया। ठीक है, जैसे ही सेंड करूँगा यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा, तो आप चेक मार्क करके अगर आप कंफर्म कर दोगे तो दोबारा ये नहीं पूछा जाएगा। देखो, देख सकते हो कि ये बिल्कुल ही फास्ट है। तो ऐसा करता हूँ कि इस डिवाइस से मुझे इस डिवाइस में डेटा सेंड करना था, तो यहाँ पे चला गया और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, जो भी भेजना है उसको मैं चेक मार्क कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने फ़िलहाल इतने सारे चेक मार्क कर दिए हैं। ओके, और अब आपके सामने मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, जैसे ही सेंड करूँगा यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, अगर कंफर्म कर लेना है तो आप देख सकते हो कि डेटा का ट्रांसफ़र कितना फास्ट रेट से हो रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।